हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने अपने घरों पर सेफ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तीज यमी किचन। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दलिया, यानी कि ब्रोकन व्हीट के अप्पे की रेसिपी। गाइस बहुत ही डिलीशियस बनते हैं दलिया के अप्पे एंड साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी है। जैसे कि हम सबको पता है कि दलिया जो होता है बहुत हेल्दी होता है, बट घरों में बच्चे जो होते हैं उसको खाना पसंद नहीं करते। तो एक बार जरूर से आप इनको ये दलिया के अप्पे बना के ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपके बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए आइए अपने दलिया के अप्पे बनाना हम शुरू करेंगे। एंड अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए अपने अप्पे बनाना हम शुरू करते हैं। दलिया के अप्पे बनाने के लिए देखिए मैंने ना ये कप, जो अपना जो मेजरिंग कप आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 कप दलिया लिया था। एंड उस दलिया को मैंने 2 से 3 बार पानी में वॉश करके देन सोक करके रख लिया था। एंड अभी देखिए ये दलिया जो है अच्छे से इजीली मैश हो रहा है। तो ये दलिया हमारा बिल्कुल रेडी है। 3 आवर्स के मैंने इसको सोक करा था। एंड यहाँ पर मैंने कुछ लिया सीजनल वेजिटेबल्स, आप कोई भी अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं चाहे तो आप सिर्फ प्लेन प्याज एंड धनिया के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 शिमला मिर्च कैप्सिकम ली थी, इसको डीसीड करके इसको देखिए बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लिया है। साथ ही साथ मैंने 1 कैरेट लिया था, 1 कैरेट को भी मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। 10 बीन्स ली थी, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में मैंने 1 ग्रीन चिली को चॉप करके रखा है एंड कुछ थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर है। तो बस ये सारी सब्जी हम लेंगे एंड थोड़ा सा इसमें हमारा और कोई मसाला ऐड हम नहीं करेंगे, बस नमक जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सब्जियों को ना सॉटे कर लेते हैं। आप चाहे तो रॉ भी डाल सकते हैं, बट मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लूंगी, सॉटे कर लूंगी 2 मिनट के लिए एंड देन उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी। तो आइए सबसे पहले हम अपनी सब्जियों को सॉटे कर लेते हैं। सो देखिए सब्जियों को सॉटे करने के लिए मैंने ऑलरेडी गैस पे कढ़ाई रखी है, तो मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। इसमें बस मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी, बहुत कम तेल का इस्तेमाल करेंगे हम, इसे हमें थोड़ा हेल्दी ही रखना है। तो अभी मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, हल्का सा हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें तड़का देंगे। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैं राई के दाने मस्टर्ड सीड्स का यूज कर रही हूँ। सो देखिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे अराउंड 3-4 टीस्पून इसमें राई के दाने डाल रही हूँ, मस्टर्ड सीड्स ऐड कर रही हूँ। जैसे हमारे मस्टर्ड सीड्स क्रैकल होंगे मैं इसमें डाल दूंगी अपना कटा हुआ प्याज ऑनियन। तो देखिए क्रैकल होने लग गए हैं, तो मैं इसमें अपना कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको हम चला लेते हैं एक बार, बस 30 सेकेंड में प्याज को सॉटे करूंगी एंड देन अपनी जो वेजिटेबल्स है वो भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। तो देखिए अब मैं इसको अपनी जो बाकी की वेजिटेबल्स है उनको भी ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गाजर और बीन्स फिलहाल अभी ऐड कर रही हूँ, शिमला मिर्च को हम बस लास्ट में ही ऐड करेंगे एंड धनिया हम बैटर में डालेंगे। तो इसको भी मैं 2 मिनट के लिए बस सब्जियों को मैं सॉटे कर लूंगी। हल्का सा मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट हम डालेंगे, बाकी सॉल्ट हमारा बैटर में जाएगा। तो लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मैं इन सब्जियों को सॉटे कर लूंगी। लास्ट में बस मैं 30 सेकेंड पहले मैं अपनी जो शिमला मिर्च है उसको भी इसमें ऐड कर लूंगी, ताकि हल्दी से वो भी हमारी सॉटे हो जाए, स्टर फ्राई हो जाए। जब तक हमारी सब्जियां सॉटे हो रही है ना, तब तक हम क्या करेंगे, अपना जो दलिया है हमें दलियों का पेस्ट बनाना है। तो मैंने दलिया का देखिए पानी निकाल दिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दलिया का जो पानी है ना वो ड्रेन कर लिया है, तो इसका मैं एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। तो मैंने मिक्सी का जार लिया है एंड मैं इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ जब तक कि हमारी वेजिटेबल सॉटे हो रही है। अभी हम मिनिमम जितना पानी चाहिए उतना ही डालेंगे, बाकी की कंसिस्टेंसी हम बाद में देख लेंगे। अभी जितना मिनिमम रिक्वायर्ड पानी है उतना ही हम ऐड करेंगे। तो बस फटाफट से मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस हमारा जो पेस्ट है ना ये तैयार हो गया है, बहुत ज्यादा फाइन भी नहीं करा है मैंने इसे, ये देखिए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ, उससे पहले मैं अपनी जो सब्जी है उनको एक बार चेक कर लेती हूँ कि वो हो ही नहीं हुई है। सो देखिए मैं बैटर को ना अभी बाउल में निकाल ले रही हूँ, जिसमें हमने सोप किया था उसी बाउल में मैं उसको निकाल लेती हूँ बैटर को। एंड मैंने सब्जियों में अपनी जो बाकी जो बची हुई शिमला मिर्च थी, जो हमने शिमला मिर्च आगे ऐड नहीं करी थी वो भी ऐड कर दी है। बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए मैंने सारा अच्छे से निकाल लिया है,
अभी इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट पहले ऐड कर लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सॉल्ट हमने वेजिटेबल्स में भी डाला तो हम उसको ध्यान में रखते ही हम बाकी का सॉल्ट इसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने डाल दिया अराउंड हाफ टी स्पून, मैं थोड़ा हल्का ही सॉल्ट यूज करती हूँ। मैंने सॉल्ट डाल दिया है, सॉल्ट को हम ऐड कर लेते हैं। एंड मैंने सब्जियों की गैस भी ऑफ कर दी, सब्जियां भी मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमारी जो वेजिटेबल्स है सॉटे करी हुई वो भी रेडी हो गई है। सो गाइस देखिए जो मैंने तड़का रेडी कर दिया था ना, मैंने वेजिटेबल्स को बंद करके निकाल दिया था, वो थोड़ा सा मेरे कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गई थी तो उतना पार्ट शूट नहीं हो पाया। तो देखिए मैंने जो सब्जी है उनको भी ऐड कर दिया है अपने बैटर में, तो इनको भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। साथ में जो अपने चॉप करके हरा धनिया रखा था उसको भी मैं ऐड कर लूंगी। एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ना जो अब पे अपना पैन है उसको मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, गर्म करने को रख दिया है ऑलरेडी, ताकि फटाफट हम अपने अप्पे को बना सके। तो अब मैं इसको अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेती हूँ। एंड हम जैसे कि ये बना रहे हैं इंस्टेंट अप्पे, तो वो उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे इनो का इस्तेमाल करूंगी ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट स्पंजी बने। तो देखिए जो कंसिस्टेंसी है इसकी बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। तो इसमें मैं मिला देती हूँ एक चम्मच इनो। उससे पहले जो मैं अपना जो अप्पे पैन है उसको ऑयल से ब्रश कर लेती हूँ। फिलहाल अप्पे पैन को ना ऑयल से ब्रश कर लेती हूँ, बहुत देखिए कम तेल में बनता है। अगर आपको और कम तेल का इस्तेमाल करना है तो आप बिल्कुल जो सब्जियों को रॉ डाल सकते हैं, अगर आप उतना ऑयल यूज करना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल हम कम ऑयल में इसको बनाएंगे ताकि ये बिल्कुल हेल्दी रहे। जो लोग थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो देखिए मैंने ये सब मैं डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे आपे पैन तो मैंने गर्म ऑलरेडी पहले से करने को रख दिया था, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इनो मिला देती हूँ ताकि जो हमारे आपे है बिल्कुल जाने को तैयार हो जाए पैन में। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए 1 टीस्पून मैंने आप इसमें इनो डाल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी इसमें ऐड करूंगी ताकि ये मिलाने को इजी हो जाए। तो हल्का सा बस 2 डैश पानी के मैं इसमें डालूंगी, देखिए बस। एंड इसको अब अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि जो हमारा बैटर एकदम स्मूथ फ्लफी मिल जाए। ओवर मिक्स भी नहीं करना है, बस इनो हमारा जो है अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। ये देखिए इसका देखिए जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो गई है, एकदम थिक हो गया है, फ्लफी सा हो गया है बैटर। एंड नाउ अब मैं इसको अपने जो अप्पे पैन है उसमें डाल देती हूँ। देखिए हमारा देखिए अप्पे बनने के बिल्कुल तैयार है। सो देखिए अभी बैटर को ना मैं अप्पे पैन में डालती हूँ, बहुत ज्यादा से हम भरेंगे भी नहीं, तो मैं 1 स्पून इसमें डाल रही हूँ बैटर। और जब ये कुक होंगे तो उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फूलेंगे ये। तो मैं 1 टेबल स्पून सब में जो बैटर है वो डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कुछ मसाला चाहे तो ऐड करना इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल इसको सिंपल ही रख रही हूँ। सो देखिए हमने जो अपने अप्पे है ना उनको अच्छे से अरेंज कर दिया है अप्पे पैन में। एंड अभी मैं इन्हें कवर करके कुक करूंगी। तो यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे रही हूँ बिकॉज हमें अप्पे को हर साइड से अच्छे से कुक करना है। तो हमें इन्हें कुक करने में अराउंड 12 to 15 मिनट्स जाएगा। तो पहले एक साइड से मैं अच्छे से कुक कर लूँगी, उसमें मुझे करीबन 5 to 6 मिनट्स लगेगा। एंड देन उसमें अगेन हम ऑयल ब्रश करके इसको टर्न कर लेंगे एंड फर्दर कुक करेंगे। तो चलिए इसे मैंने कुक करने को रख देती हूँ। सो देखिए गाइस मुझे थोड़ी देर हो गई इसे कुक करते हुए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए अब इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, हल्के हल्के एक साइड से कुक हो गए। तो अब इस टाइम पर मैं हल्का हल्का सा इसमें ऑयल ब्रश कर लूंगी, बहुत ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा बस मैं ऑयल ब्रश कर लेती हूँ। एंड नाउ अब इन्हें हम टर्न कर लेंगे, दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो आप किसी नाइफ या किसी की मदद से इसको टर्न कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए हमें आपको जितना क्रिस्प रखना है इसको आप उतना रख लीजिए, हर साइड से अच्छे से इसको हम सेकेंगे। फिलहाल मैं इसको हल्का हल्का टर्न कर लेती हूँ। सो देखिए मैंने अपने सारे अप्पे को अच्छे से टर्न करके पलट लिया है। तो अब इनको अगेन हम फर्दर कुक करेंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, इसको भी दूसरे साइड से भी हम अच्छे से कुक होने देंगे, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। अगर आपको थोड़ा ज्यादा ब्राउन चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, तो आप और ज्यादा इसको क्रिस्पी बना सकते हैं। सो देखिए हमारे जो अप्पे हैं ना वो अच्छे से सिक गए हैं, कुक हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने अप्पे को हर साइड से सेक लिया था,
बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेका हुआ है, तो अच्छे से 12 to 15 मिनट्स लगे इसको कुक करने में, बट ये अच्छे से कुक हो गए हैं, अंदर तक पक गए हैं। तो आइए इनको अभी हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सो देखिए मैंने अप्पे जो है प्लेट में निकाल लिए है, मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि अप्पे कैसे बने हैं। ये देखिए ऊपर से देखिए कितने क्रिस्पी है, आपको साउंड सुनाई पड़ रही होगी, एंड मैं अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट है, तो आप लोग जरूर से एक बार ये दलिया के अप्पे बना के देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। हेल्दी के हेल्दी है, साथ ही साथ बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको मैंने सर्व करा है आप सिजवान चटनी के साथ, आप चाहे तो ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी, जो भी आपको पसंद है उसके संग आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ।